I'm sorry, अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरी कामयाबी और नाकामयाबी में कोई और जिम्मेदार है, अगर आपको लगता है कि मेरी कामयाबी में कोई और रोड़ा अटका रहा है, तो नहीं, केवल एक व्यक्ति है जो तुम्हारी और कामयाबी के बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ है। केवल एक व्यक्ति है जो तुम्हारी और कामयाबी के बीच में रोड़े अटका रहा है। एक, बदल डालो इसको, हटा दो, बदल डालो इसको, और ये कोई और नहीं है, ये केवल आप है, केवल आप, हटा दो इसको। ये वही व्यक्ति है जिसको पता है कि सुबह उठूंगा सेहत ठीक रहेगी, उठता फिर भी नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसको पता है कि मैं लेट हो जाता हूं फिर भी समय से नहीं निकलता। ये वही व्यक्ति है जो बहानेबाज है। ये वही व्यक्ति है जो आलसी है। ये वही व्यक्ति है जिसको मालूम है कर्जे में फंस गया हूं, कर्जे से बाहर निकलना चाहिए सीखता फिर भी नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसको मालूम है मेहनत कर रहा हूं, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश नहीं करता, क्यों? ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है अपने आप से। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे, ये तो पूरी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, और ये हमारी ट्रेनिंग यही है। हम मनी मैनेजमेंट के साथ साथ मैन मैनेजमेंट, वुमेन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं। क्या आपको करोड़ों रुपए भी दे दिया, आप करोगे क्या उसका, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या, आपकी जरूरतें क्या है, आपकी एक्चुअल इच्छाएं क्या है। वरना तो एक अंधी दौड़े दौड़ते रहिए। 10 साल 20 साल 30 साल इंसान मेहनत करता रहता है, उसके बाद इंसान को समझ आता है मैं पहुंचा कहां, मैंने कमाई के तौर पर क्या इकट्ठा किया, कर्जा, मेरी टोटल एसेट से ज्यादा मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, मेरे पास कुछ है नहीं, केवल नाम रह गया है। कहीं तो समझना पड़ेगा, कहीं तो सीखना पड़ेगा यार। और ये आपकी च्वाइस है, च्वाइस। कुदरत ने हमें सिर्फ इंसानों को ये च्वाइस दी है कि इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो चाहे वो कर सकता है, चुन सकता है। और जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक ही चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है और वही डीमोटिवेट भी कर सकती है। सिर्फ आप तय करते हैं कि मुझे मोटिवेशन इससे पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए। कैसे? एक परिवार में दो भाई सगे, एक शराब पीता था, ड्रग्स लेता था, नशा करता था, सारे गलत काम करता था। दूसरा सज्जन आदमी, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, बड़ा मान सम्मान एरिया में, लोगों को लगा दोनों सगे भाई नहीं हो सकते, इतना अंतर। कहते पता करो जो बिगड़ा है बिगड़ा कैसे, इसको बिगड़ने का मोटिवेशन कहां से मिला, और जो सुधरा है सुधरा कैसे, इसको सुधरने का मोटिवेशन कहां से मिला। जो बिगड़ा था उससे मिले भाई तू बिगड़ा कैसे, हमने सुना तेरा भाई सज्जन आदमी है, शरीफ आदमी है, बड़ों की इज्जत करता है, छोटों से प्यार करता है, तुझे बिगड़ने का मोटिवेशन कहां से मिला। उसने कहा मुझे मोटिवेशन मेरे पिताजी से मिला, मेरे पिताजी शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, एक शराबी का बेटा और क्या बनता, मैंने जो देखा मैं बन गया। बात भी चाहिए, एक शराबी का बेटा और क्या बन सकता है। अब जो सुधरा था उससे मिले भाई तू सुधरा कैसे, हमने सुना तेरे पिताजी शराब पीते थे, ड्रग्स लेते, नशा करते, तेरा बड़ा भाई भी ये सब काम करता है, तुझे सुधरने का मोटिवेशन कहां से मिला। उसने कहा मुझे भी मोटिवेशन मेरे पिताजी से मिला, वो शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, मैंने तय किया मैं नहीं करूंगा और मैं सुधर गया। सेम चीज कैन मोटिवेट और डीमोटिवेट यू, सेम चीज। यदि आप में से कोई कहता है कि आज मेरे हालात अच्छे नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकता, इसी समय में कोई दूसरा कह रहा होगा भले ही मेरे हालात अच्छे नहीं है लेकिन मुझे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। उन्हीं हालातों में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ खुद को तोड़ लेते हैं। ऐसा क्यों, क्या अंतर है उन लोगों में जो एडवर्स कंडीशन में भी सफल। और मैं बता दूं आपको, 95% लोग बुरे हालातों के बाद ही सफल हुए। यदि आपने अपनी जिंदगी में अभी कोई उतार नहीं देखा है तो आप अपनी मैक्सिमम सफलता तक नहीं पहुंचे। मैक्सिमम सफलता ही तब आती है जब उतार के बाद बाउंस बैक होता है। और अगर आप में से कोई उतार के ऊपर है तो समझ लेना बस अब आने वाला समय।